भारत माता की, भारत माता की। एन अन्बारंद तमिल सगोदर सगोदरी वणक्कम। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी अन्नामलाई बड़े विस्तार से बता रहे थे, मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी एलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। तमिल सहोदर सहोदरी अवर वनकम इनकोड़ कन्याकुमारी और अले कमी अले दूर पयिकवले आन्याकुमारी एकता यात्रे काश्मीर वे आना मुश्मीर कन्याकुमारी नोक वन तुंड काश्मीर मकल तूक नम तम मेतान कांग्रेस इंदी कूटनी कंडिपाग तुले पेरियपड़ं कांग्रेस तीमुका कूटनी इंद वेत्री एंर तलेकनम इरुकरदे अवर्गलक्कु अदु मुच्चिलुमाग अलिक्कपट्टुविडुं। साथियों, डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर
और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है, हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालीख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। नंबरगले இந்த திமுக காங்கிரஸோட இண்டி கூட்டணியால தமிழ்நாட்டில் எந்த விதமான வளர்ச்சி திட்டங்களையும் முன்னெடுக்கவே முடியாது. அவங்களுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மோசடியும் ஊழலும் தான் முதன்மையாக இருக்கும். அவங்களோட கொள்கையே பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் ஆட்சிக்கு வந்து கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒற்றை இலக்கு தான் அவங்களுடைய முதல் இலக்கு. ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பாஜகவோட பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்கள், அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் திமுக இண்டி கூட்டணியில கோடிக்கணக்கான ஊழல்கள், ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மற்றும் 5G இதெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுக்கு கொடுக்குது. நம்ம பேர்ல டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிற திட்டம் இருக்கு, ஆனா இந்தி அலையன்ஸ்ல லட்சக்கணக்கான கோடிகளில் நடைபெற்ற ஊழல் இருக்கிறது, 2G ஊழல் இருக்குது. இந்த 2G கொள்ளையில் பெரும் பங்கு வகித்தது திமுக தான். பிஜேபி ஏராளமான விமான நிலையங்களை கட்டியது, பிஜேபி பேர்ல உடான் திட்டம் இருக்கிறது, ஆனா இந்தி கூட்டணியில நாட்டின் பாதுகாப்புடன் விளையாடும் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் தான் இருக்கிறது. நம்ம கேலோ இந்தியா மூலம் விளையாட்டுத்துறையை மிக உயர்ந்த உன்னதமான இடத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறோம், ஆனால் அவங்க பேர்ல CWG ஊழல் தான் முதன்மையாக இருக்கிறது. கனிமத்துறையில பல்வேறு புதிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து இந்தியாவின் கனிம வளத்தை நம்ம மேம்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் அவங்க பேர்ல கனிமத்தில் நிலக்கரியை கொள்ளையடித்த நிலக்கரி ஊழல் தான் இருக்கிறது. இந்த பட்டியல சொல்லிட்டே போனா ரொம்ப நீளமாக போய்கொண்டே இருக்கும். அதுதான் இண்டி கூட்டணியின் உண்மையான நிலைமை. साथियों, कन्याकुमारी ने हमेशा बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है और इसलिए यहां की डीएमके कांग्रेस गठबंधन कन्याकुमारी के लोगों को सजा देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आप एक के बाद एक इनकी हरकतें देखिए। 20 साल पहले अटल जी ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस कॉरिडोर के कन्याकुमारी नारिकुलम ब्रिज का काम इन लोगों ने इतने वर्षों तक लटका कर रखा। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसे पूरा किया। कन्याकुमारी
और तिरुवनंतपुरम फोर लेन रोड भी यहां की सरकार बनने नहीं दे रही थी। हमें इसके लिए अतिरिक्त फंड देना पड़ा, तब ये काम शुरू हो पाया। कन्याकुमारी के लोग मार्तंडम और पार्वतीपुरम फ्लाईओवर के लिए भी वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन डीएमके और कांग्रेस के लोगों ने एक बार भी नहीं सुना। जब बीजेपी केंद्र में आई तब ये काम भी पूरा किया गया। यहां लोग 40 साल से डबल रेल ब्रिज का भी सपना देख रहे थे, उसे भी इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। अब बीजेपी सरकार ये काम कर रही है।